इंडस्ट्रीज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आप सबका स्वागत। दोस्तों आज मैं ले चलूंगा आपको सीधा बॉलीवुड। कौन बनेगा शिखावती? जी हाँ, ये जो मूवी पूरी वर्ल्ड में इंडियन कह सकते हैं कि इंडियन सीरीज जो धमाल डाल रही है, किसके बीच में काफी सारा एंटरटेनमेंट और काफी सारी गेम्स हैं। जी हाँ, जिसके बीच में काफी स्टार कास्ट, अच्छे अच्छे स्टार कास्ट लेके ये नसीरुद्दीन शाह जी इसको लीड कर रहे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। मैं कैसे मैंने बताया कि बॉलीवुड में ले चलते हैं। आज हमारे साथ है आन्या। जी हाँ, आन्या हमारे साथ है, उसके साथ बातचीत करते हैं। आन्या के साथ कौन बनेगा शिखावती की स्टार कास्ट के साथ, आइए एक स्पेशल मुलाकात। शिखर ऊंचा, शिखर की चोटी ऊंची, ऊंचे शिखर पर बैठी शिखरवती। ऑल यू हैव टू डू इज से दिस थ्री टाइम्स। किंग बनने का मतलब समझती है ये तीनों? क्या तुम बन सकती हो किंग? रुक जाओ सबके सब। मेरे रिसर्च के मुताबिक आपके पास करोड़ों की अनडिस्क्लोज्ड वेल्थ है। दिस इज नॉट ओवर। मैं शिखरवती को मिट्टी में मिलाकर रहूंगा। राजकुमारी किंग को बचा सकती है। आन्या जी, सबसे पहले तो आपको इंडस्ट्रीज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से बहुत बहुत मुबारक एंड कंग्रेचुलेशंस कि आपने बहुत ही उम्दा काम किया और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अभी अभी मैं आपकी फिल्म वेब सीरीज देख के हैरान हुआ। राजकुमारी उमा शिखरवत, शिखरवती आपको बुला रहा है, जो राजा मृत्युंजय आपको सौंपना चाहते हैं। तो इस बुलावे को नजरअंदाज मत करिए, इस पर आपका भविष्य टिका हुआ है। तो यकीन नहीं हो रहा, ये सब सचमुच आ रही है। राजकुमारियों, आप लोगों का स्वागत है। डैड थॉर्न, डू यू हैव अ पावर बैंक? एंड इट्स ब्यूटीफुल एंड यू डन अ ग्रेट वर्क इन दैट। सबसे पहले तो आप बताइए कि आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है? हाँ। नहीं, मुझे एलर्जी उन लोगों से है जिन्होंने कौन बनेगी शिखरवती नहीं देखी है, सिर्फ उनसे है। लेकिन थैंक यू सो मच, थैंक यू कि आपको अच्छा लगा और मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा। तो इस मूवी की कोई यादगार जो आप सेट पे हो और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? तो यू नो, विजुअली इट डज लुक लाइक अ मूवी समटाइम्स टू यू। इस सेट पे जितना मैंने जितना मैं हंसी हूँ और जितना मजाक हुआ है हमारे बीच, वो मेरी सबसे यादगार मेमोरी है। क्योंकि अगर आप यू नो, बहुत सारे लोग या जो दोस्त है मेरे बोलते हैं कि अरे शिट यार, मुझे काम पे जाना है, ओ हो आई डोंट लाइक माय बॉस, और हम बोलते हैं कि ये मैं काम पे जा रही हूँ। तो अगर वो फीलिंग आती है ना आपको, आपको पता है कि आप थे स्पेस में है। और ये बात है कि हम सब बहुत खुश होंगे अगर सीजन टू होगा, क्योंकि हम सब एक दूसरे से, हम सबको एक दूसरे से इतना लगाव है। लेकिन उससे ज्यादा बहुत हमने हंसी मजाक किया है सेट पे, बहुत टांग खींचे एक दूसरे की। कोई एग्जांपल हमें वो चाहिए कि कौन सी हम कह सके यस कुछ हुआ हो यादगार। जी, एक बार हम ना नेवर हैव आई एवर, आपने ये गेम सुना है नेवर हैव आई एवर? तो हम नेवर खेल रहे थे और उस टाइम लारा अपने फोन पे कुछ काम कर रही थी, तो फिर वो आई और बोली कि कौन सा गेम खेल रहे हो? तो हमने बोला नेवर हैव आई एवर। और हमारे सिचुएशंस ऐसे थे कि नेवर हैव आई एवर ईटन समथिंग और नेवर हैव, बहुत ही मतलब बचपना वाले। और लारा आती है और बोलती है नेवर हैव आई एवर सैट ऑन द लैप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप और नेवर हैव आई एवर हैड डिनर विद डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन। एंड ऑल ऑफ अस आर जस्ट लाइक, मतलब ये जिंदगी जीनी है हमें, ये जो लारा लप्पा की जिंदगी है ना, हमें ये जीनी है। तो आई थिंक दैट वाज समथिंग, बिकॉज़ आई वाज जस्ट लाइक, जिंदगी इतने अलग है, फिर भी हम सब इतने अच्छे से मतलब मिलजुल गए हैं, बहुत अच्छी बात थी। तो अभी हम नेक्स्ट सीरीज की, डेफिनेटली नेक्स्ट सीरीज आएगी, तो नेक्स्ट सीरीज की वेट करते हैं और कर रहे हैं। कैसा लगा आपको कि इतने सीनियर आर्टिस्टों के साथ काम करके, स्पेशली नसीरुद्दीन शाह सर के साथ और लारा दत्ता वेरी सीनियर आर्टिस्ट, तो उनके साथ सारी टीम के साथ काम करके कैसा लगा? जी, पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन लोगों के साथ कैसे काम कर रही हूँ, क्योंकि इतने सीनियर है, इतने एक्सपीरियंस्ड है और इतने बढ़िया और लोग हैं, यू नो
जब मैं छोटी थी, नसीर साहब, रघुबीर जी, लारा, यू नो, की भी औरत के लिए लारा इज सच अ परफेक्ट एग्जाम्पल, मिस यूनिवर्स नहीं लेकिन अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है. सोहा, कृतिका, वरुण, साइरस, सब बहुत ही अलग अलग जैसे अलग लोग थे, लेकिन फिर भी जब हम साथ आए, जैसे मैंने बोला, एनर्जी इतनी अच्छी थी. लेकिन जब नसीर सर के बारे में आप बात करते हैं, बहुत सीनियर है, बहुत रिस्पेक्टेड है, मैं इतनी बड़ी एडमायरर हूँ उनकी, तो मैं बहुत नर्वस थी. मतलब इतनी नर्वस थी कि डे टू पे मेरा सीन था उनके साथ, जो लड़कियों की मन की बात होती है, और इतनी नर्वस थी कि मैं रूम से निकल ही नहीं पा रही थी. मतलब टू काम डाउन एंड यू नो, एक ताकि बोलते थे कि 15 मिनट और 20 मिनट और, मैं तो खुश हो जाती थी कि डिले हो रहा है, क्योंकि मुझमें हिम्मत नहीं थी जाने के लिए. बट जब मैंने सीन किया उनके साथ, यू नो, उन्होंने बातचीत की मेरे साथ, इवन दो मैं सबसे यंग हूँ और सबसे इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, और एक ऐसा माहौल बनाया जहाँ आपको लगता नहीं था कि वो सीनियर है और आप जूनियर हो, लेकिन हम इक्वल, और सच्ची में एक फैमिली बन गई थी. मैं झूठ नहीं बोल रही, बहुत अच्छा रिलेशन था सबका, सबके साथ. मैं Z5 ग्लोबल और इंडस्टेज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, जिनके कारण आपके साथ आज बातचीत करने का मौका मिला. एक बार फिर से मैं बोलूं कि आप बहुत बहुत मुबारक के हकदार हैं, क्योंकि ये आपकी सीरीज ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी अच्छे तरीके से छा रही है. एंड एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे कि कोविड के समय में कैसा लगा कि सिचुएशंस शूटिंग के टाइम पे, और कितना समय लगा कि कोविड के टाइम पे इसको शूट करने पर, और गेम्स, इतनी सारी गेम्स हुई हैं, आपकी फेवरेट गेम कौन सी रही है? जी, मेरा था वो जो कुकिंग राउंड था, ऑब्वियसली क्योंकि मैं जीतती हूँ. पर कैसे समझाओ, आप लोगों में से जिसमें सबसे ज्यादा हुनर होगा उसे बनाया जाएगा किंग, और ये हुनर चेक करने के लिए आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे. लेट द गेम्स बिगिन. लाजवाब. यू आर सच अ वेस्ट ऑफ ऑक्सीजन, यू आर सच अ वेस्ट ऑफ अ ब्रेन. डोंट फॉरगेट टू ग्रैब अ स्ट्रॉ. व्हाई? बिकॉज़ यू सक. बट ऑल्सो क्योंकि वो रात का टाइम था और दिन में इतनी गर्मी होती थी कि मतलब पूछो मत. तो रात के जो राउंड थे, तो कुकिंग राउंड, भूत बंगला राउंड, ये सारे मेरे फेवरेट थे. जो बाहर थे नहीं जी. तो ये 2020 में था जब कोविड हैड जस्ट हिट अस, और मुझे याद है कि हम शूट के लिए निकल रहे थे और हम सबको मैसेज मिला था कि डोंट लीव, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन बस होने को था. और मैंने सोचा कि अब ना ये शो ही नहीं बनेगा क्योंकि लॉकडाउन हो जाएगा. फिर ऐसे कितनी बारी आप सुनते हो ना कि अगर स्टार्ट नहीं करते तो स्टार्ट होता ही नहीं है जी. तो हमारे प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे थे, क्योंकि हम वहां अगस्त एंड में गए थे. आई रिमेम्बर 26 अगस्त गए थे एंड 18 अक्टूबर हम वहां से निकले. एक जन को भी कोविड नहीं हुआ था, सारे प्रोटोकॉल्स वो फॉलोड, और वो बहुत स्ट्रिक्ट थे. मतलब हम रिजॉर्ट में रहते थे और पैलेस में शूट करते थे. बीच का जो डिस्टेंस था, जो 7 मिनट बाय कार था, हमें अलाउड नहीं था कहीं पे भी उतरने के लिए. कुछ चाहिए तो उनको पूछिए, वो आपको सब देते थे. तो आई हैव टू गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू आवर प्रोड्यूसर्स कि हमारा बहुत ध्यान रखा. And in the beginning of this pandemic, ki touchwood some healthy or safe the, that's a really big thing. So 26 ko jab hum pahunche the, ek hafta hum sabne quarantine kiya, around 5-6 days quarantine kiya, jo actually hamare liye bahut acha, jo hamare liye bahut acha tha, kyunki baatcheet humne ki, wo sare jo barriers the na wo toot gaye. Badminton khela Nasir sir ke saath, table tennis khela Nasir sir ke saath, to us time mein bahut maza aaya. और इतना मजा आया कि कृतिका और मैं एक्चुअली शूट 16 को खत्म हुआ था और सब 17 को निकल गए थे, लेकिन कृतिका और मैं वापस रह गए पूरे क्रू के साथ, क्योंकि हमें इतना मजा आ रहा था जी. हम आपको आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए और आपकी इस कामयाबी पे बहुत बहुत मुबारक देते हैं, और आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस देते हैं. और
ऑस्ट्रेलिया के सारे व्यूअर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक, और आप कुछ सबको कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, थैंक यू. मैं बस ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने ऑलरेडी कौन बनेगी शिखरवती देख ली है तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद कि आपने हमें अपना टाइम दिया. और अगर नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिए, क्योंकि आई कैन प्रोमिस यू कि बहुत हटके है और आपको जरूर मजा आएगा. कौन बनेगी शिखरवती, ओनली ऑन Z5. आना जी बहुत बहुत शुक्रिया. दोस्तों आज हमने बातचीत की आना जी से सीधा बॉलीवुड पे. आपको ऐसे ही हम लेके चलते रहेंगे बॉलीवुड और बात करवाते रहेंगे. मैं Z5 का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, एंड मैं आपका प्रवर तिवारी इंडस्ट्रीज फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी से. नमस्कार. Australia's first Indian magazine to have a national reach. Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions. 55,000 copies printed monthly. 220,000 readers. Largest network of clients. Undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.